आज हम जा रहे हैं रमजान की शॉपिंग करने। अद्धी हो गई थी, अद्धी करने चली गई। रोजा है ये ब्लॉग आपको आज ही मिलेगा क्योंकि अम्मी एक मिनट माजी पीछे रोला नहीं पाए थे नशीजा दिया। हमने तो क्या रोजे में हम लोग करेंगे डेली ब्लॉगिंग और बहुत से लोगों ने कहा था स्पेशली एक मरियम नाम की लड़की है उसने मुझे ज्यादा मोटिवेट किया। वो हमेशा ब्लॉगिंग करे, हम आपका ब्लॉग जब इंसान करते हैं उसको मेरी ब्लॉग देखने का मजा देता है। तो आज हम करने जा रहे हैं उसकी खातर आज मैं ग्रोसरी ना आज से हम डेली ब्लॉग से शुरू कर रहे हैं ईद तक। ईद के बाद भी शायद इंशाल्लाह, ईद के बाद भी इंशाल्लाह बस। हाँ तो जो रमजान की ग्रोसरी है वो आपको मैं साथ साथ बताऊंगी कि क्या हम खरीद चुके हैं और क्या हम खरीदने जा रहे हैं। हले सी चले सब्जी मंडी हफ्ते डेढ़ दो तक की सब्जी खरीदने चले क्योंकि बाद में सब्जी खराब हो गई है। 10 रुपये दे दे क्या आज तुम दोनों को 10-10 की चीज लेके दूँ फिर घर आ जाओ। चलो दोनों बहन भाई का हाथ पकड़ के घर आ जाना, मैं पीछे से खड़ी होकर देखूंगी। चलो लगोगे, चल निकल बाहर, निकल चीज लेके दूँ। चलो मंडी उतरा, अखाड़ में उतरा मंडी आओ। भाभी लेता है, भाभी ने ये शुरू हो गई मंडी है। वाह मैं तो यहाँ पे पहली बार आई हूँ, तू पहली बार आई है, मैं भी पहली बार। मैं कदे आज तो पहले कदे नहीं आई मंडी, पहली बार। वाह है खजूरा और नहीं आलू है लगे हुए, प्याज मैंने प्याज ए वाला नहीं, ए वाला वो नहीं चटानी। 13 रुपये तड़ी। अब आप लोगों ने बताना तड़ी क्या होती है। तड़ी मतलब ए, तड़ी मतलब 10 किलो है, 10 किलो 5 किलो 5 किलो ये आप सारी मंडी दिखाऊं। यहाँ पे आपको हर चीज मिलेगी। वाह नींबू हरिया मिर्चा खीरे गाजर सलाद वाली गाजर हाँ थोड़ा दिन लिया ये किलो। और ये 400 में 300 लगती है। अच्छा सही हाँ 300 लगा दूंगा, 300 या 150 हमारे पास नहीं होता, आधा किलो या किलो मेरी बहन इससे कम है, हम दड़िया बेचते हैं। ये है आलुओं की, आप लोग देखे आलू आलू 300 रुपए किलो, 300 रुपए 60 रुपए 60 रुपए किलो, अगले 600 रुपए किलो, 600 रुपए किलो। मेरी भाभी ने पहचान दसी पैपा वाले प्याज की सही उठी फिर तो सही है किन्ने पैसे फिर भी तोड़ा किन्ने लिया 30 रुपए का तोड़ा भी पैसे खर्चने पैने ने खो टमाटर उतरे खो टमाटर फिर जाने नहीं फिसदे नहीं काटने नहीं फिसदे एक तड़ी काट दूंगा जी आ है एक त्या घोड़ा डेंजरस घोड़ा गाजरा भी ले लिया अदर आया सुटो थोड़े ओहो बन छापर करके दे नहीं अही आधे विच रख टमाटर आधे रखे ऐसे थोड़े दे थोड़े दे विच ना सीन भी खावा आए
ठीक है ना। चल खड़ो चलो। ये रहा हमारा तोड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक बनती है। ये रही मैं और मुझे यहाँ पे छोड़ के खुद चली गई है और तोड़ा यहाँ पे छोड़ गई है। ये तोड़ा जो है फुल भर गया मुंह तक। एक और तोड़ा मांगा है और हम आधा आधा सामान करें। आधा तो थोड़ा खाली कर लो ना। नहीं अद्दा दा ए थोड़ा और सामान काट, ऐसे और काट, अद्दा दा काट लो ना। टमाटर चल आते हैं। ये अंकल हैं बुजुर्ग बेचारे, और ये बेचारे छाबा लेके सर पे वजन उठा के लोगों के काम कर रहे हैं बेचारे। पांडी होते ना ये, वो हैं बेचारे, और थक हार के अब बैठ गए हैं। ठीक है वापसी। और ये हमारे रहे तोड़े जिगर लेके जा रहे हैं। चलो चलो इन लगता सूटा बूटा लगता ज़्यादा राशन भी चुक लिया मैं, चीज तो खाइए फिर उस रोजी आए ने, फिर टाइम ही लगना। अपने गंदे पापड़ में चुक ले, पापड़ जड़े खानी रोज दे खत्म है। ਕਿੰਨਾ ਬਗੈਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਪੜਾ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਸਮੇ ਪਾਪੜਾ ਬਗੈਰ ਵਾਕਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੁਮੀ ਲੈ ਪਾਪੜੋ ਕੇ ਆ, ਸੁਮੀ ਲੈ ਸੁਮੀ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਕਾ ਸੌਦਾ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੋ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਲੈ ਆਈ ਥੀ, ਬਾਕੀ ਸਿਮਕੋ ਰੱਖੀ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਇਹ ਰਹਾ ਬਾਕੀ ਕਾ ਸੌਦਾ, ਛੋੜੋ ये मेरी बहन पहले का जाके ले आई थी, नहीं मैं सारा समेट लूँ। कुछ ये इसमें है, ये इसमें घी है, ये घी की पेटी है, ये बाकी कुछ चीज़ें। अरे ये क्या है, मुझे तो पता ना मेरी बहन ये भी लेके आई है। ए तू ले आ गई है मैक्रोनी। अच्छा ये नमक है, रख सेट करके। ए कि लैके गुलाब दा रख, चलो रखो दिला गाय दिखाओ। वाओ गाय, ओ मुंडा पीछे रोंदा पिया है, चुप करा बंद कर दन। क्या काका रो, काकी रो रही है, काकी रो गई। अम्मी बच खैर पापा खैर रमजान की जितनी भी शॉपिंग थी वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। और यकीन करें सबसे लेट व्लॉग मेरा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि घर दिया लून मिर्चा भी बहाना जरूरी नहीं। ऐसे ही मेरा व्लॉग लेट बनया है, अद्धा सौदा मेरे घर जो से पा चुके सन। सिर्फ ए हफ्ते जिन्नी भी सब्जी सुब्जियां ने वो बहा के ने, बाकी मैंने वाकई नहीं पता कि इन्ना जरूरी है। कि नहीं सुटिया खैर जिन्ना माड़ा मोड़ा मैं तुम्हें दिखाया समान व्लॉग मेरा लेट ही सही, पर हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे सारे व्लॉग जो है ने रेगुलर आएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह पूरा रमज़ान पूरी कोशिश करनी है कि मेरे रमज़ान डेली बेसिस है, और इंशाल्लाह कोशिश होगी 8 तो लैके ना कम से कम मैं 7, 7:30 बजे तक मैं इंशाल्लाह अपना व्लॉग अपलोड कर देना। कहना ये 4, 4:30 इन्हें दोवों चु एक टाइमिंग होएगी जो मेरा व्लॉग अपलोड हो करेगा। खैर उम्मीद है कि तुम्हें मेरा ब्लॉग पसंद है। अल्लाह तुम सब नू रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और हर तुम्हारी चॉइस ख्वाहिशात पूरी करे, सब दे रिज़क इज़ाफ़ा पाए मेरे तुम्हारे जिहड़े वेखण वाले ना सब दे रिज़क इज़ाफ़ा पाए। तो मिलने तुम्हें अगला इंशाल्लाह रात में सैरी अफतारी जो भी सी करोगे तुम आओगे, और वहाँ दिखानी चाहिए रमज़ान शॉपिंग दिखानी चाहिए। लोगों को बताओ कि हम रमज़ान के लिए क्या खरीद रहे हैं, और जो मेरा फोकस होता है वो होता है ज़्यादा आलू पर, और उसके बाद मायोनीज़ केचप पर, क्योंकि मुझे ये पसंद है। मुझे आलू के पराठे, आलू की टिकिया, चिप्स, पकौड़े, दही भल्ले स्पेशली। खैर अल्लाह आपके माँ बाप को भी सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी लंबी ताफ़ मेला, मेरे माँ बाप को भी सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी लंबी ताफ़ मैं मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ले मुझे दीजिएगा इजाज़त। क्या अल्लाह हाफिज़।
दुआओं की याद रखते हो। ज्यादा तू ज्यादा सब्सक्राइब करना शुरू हो। टन 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 टन।